सुशासन की अवधारणा हमारे समाज में बहुत पुरानी है। हम लोग अयोध्या कांड देखे तो उसमें सुशासन हमको देखने को मिलता है। हम लोग महाभारत में भी अगर देखे तो हमको सुशासन की अवधारणा अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, तो हम लोग जानते हैं चाहे मौर्य काल हो या फिर आचार्य चाणक्य ने लिखी हुई सारी नीतियां हो, हर जगह हमें सुशासन देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कार्यकाल में सुशासन का एक ऐसा मॉडल हमें देखने को मिलता है कि जिसमें जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके न्याय की चिंता की जाती है। और इसी सुशासन को एक प्रकार से हमारे आधुनिक भारत में हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लोकतंत्र में इसकी नींव रखी। और 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सुशासन के आधार पर बदला, देश के डिलीवरी सिस्टम को बदला, देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का एक महत् कार्य करके दिखाया, और जिस तरह से एक महाशक्ति के रूप में भारत बदल रहा है, इसका अगर कोई एक कारण है तो वो सुशासन और गुड गवर्नेंस है, जिसके एक बेमिसाल मॉडल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है।